छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों की वोटिंग खत्म हो गई है। इसी क्रम में छतरपुर जिले की 6 सीटों की मतपेटियों को प्रशासन ने स्ट्रांग रूम में रखवा दिया है, जिसकी 3 लेयर सुरक्षा एक्सीलेंस स्कूल में की जा रही है। इसके साथ ही सभी राजनीतिक पार्टी प्रत्याशियों के समर्थक भी स्ट्रांग रूम के बाहर रखवाली कर रहे हैं। आपको बता दें कि सत्ताधारी बीजेपी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थक इस स्ट्रांग रूम के बाहर आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जबकि कांग्रेस, बीजेपी, सपा और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थक दिन रात स्ट्रांग रूम की कड़ी सुरक्षा दे रहे हैं। प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं, तो पहली बात तो ये है कि जब स्ट्रांग रूम में पेटियां रखी गई थी तो एलईडी तो लग जाना चाहिए था उसी 18 तारीख को, पर वो 2 बजे व्यवस्था हो पाई, कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है। अभी व्यवस्थाएं होती जा रही हैं, एलईडी इधर थी, टेंट हाउस उधर था, धूप पड़ती है, एलईडी से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अब एडीएम साहब आए थे, अभी कलेक्टर साहब भी आए थे, तो अब उनने टेंट के अंदर ही एलईडी लगा के बोल के गए, उसकी व्यवस्था चल रही है, वो हुई जा रही है। ये ग्राउंड में टीवी चलाई जा रही है, एजेंट्स का कहना ये है कि या तो टेंट आगे खिसकाया जाए या इसको पीछे किया जाए। जो निर्वाचन आयोग के मानदंड हैं उनके अनुसार बाह्य परिसर जो है उसकी सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर चलाई जा रही है, और आपत्ति ना हो के एक सुझावात्मक रूप में पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने ये सुझाव दिया है और हम लोग उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। कितनी सुरक्षा इस स्ट्रांग रूम की? 3 टीयर सिक्योरिटी है। पहले लेयर पे CAPF इसकी सिक्योरिटी कर रही है राउंड द क्लॉक। दूसरे लेयर पे स्टेट आर्म फोर्स SAF इसकी सिक्योरिटी कर रही है, और सबसे आउटर कार्डन पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसकी सिक्योरिटी कर रही है। और जो व्यवस्थाएं थोड़ा बहुत यहाँ प्रशासन के द्वारा जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत अव्यवस्थाएं थी, जैसे लाइट जाना और LED के पास दूरी या दिन में LED में दिखाई न देना, तो ये माननीय कलेक्टर महोदय जी से और ADM महोदय जी से निवेदन किया गया है, और उन्होंने इस बात को माना है और वो टेंट के अंदर ही LED लगाने का उन्होंने आश्वासन भी दिया है, और ये काम होना भी शुरू हो गया है।